सिरसा में हरियाणा कॉटन जीनर्स एसोसिएशन के लोग पिछले 10 दिनों से मार्केट फीस व वैट कम करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे इस सीजन में अपनी फैक्ट्रियां शुरू नहीं करेंगे। हमारी मांग जो है नरमे के ऊपर जो मार्केट फीस और एचआरडीएफ 4% है उसको दोनों को मिला के एक करने के बारे में हमारी जो है ये पिछले 10 दिन से धरना चल रहा है और चलता रहेगा। कल हमारे को गोपाल जी कांडा जो हमारे यहाँ सिरसा के विधायक भी हैं, मंत्री भी है, उन्होंने दिल्ली सीएम साहब से हमारी मुलाकात करवाई, हमारे को टाइम दिया था। तो सीएम साहब ने हमारी बातों को कोई अच्छी तरह सुना नहीं, मानना न मानना वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, परंतु जो उन्होंने कहा भी मेरे को मालूम है, हम बाद में बात करेंगे, तो इससे व्यापारियों में रोष है भी, उन्होंने बात भी नहीं हमारी सुनी। ये आगे हमारे धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे, स्ट्राइक हमारी जारी रहेगी, एक हफ्ते बाद नरमा आ जाएगा, उसमें किसान जब अपने उसका माल नहीं बिकेगा सड़कों पर आएगी, रोड जाम होएंगे, तो अपने आप मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। हम भी फैक्ट्रियां नहीं चलाएंगे हरियाणा में, कोई भी चलाने लायक नहीं है। इसके बाद नेशनल लेवल पे भी आपको कोई नेशनल लेवल पे भी हम बात करने जा रहे हैं, हमारी ऑल इंडिया कॉटन जीनर एसोसिएशन बनी हुई है, उसके अंदर भी हम जा रहे हैं, हमारी बात हमने रखी है, वो भी प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए, और हमारे साथ अब दिन पर दिन लोग बाग जुड़ते जा रहे हैं। कच्चा आड़ती एसोसिएशन हमारे साथ है, आज हमारे ट्रांसपोर्टर भाई भी साथ आए हैं, वो भी कह रहे हैं भी अगर नहीं होगा तो हम कोई गाड़ियां यहाँ सिरसा में नहीं देंगे किसी को। सिरसा के सांसद अशोक तंवर आज सुबह किसान एक्सप्रेस से सिरसा पहुंचे। अगले 2 दिनों तक वे सिरसा में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं सांसद अशोक तंवर ने हिसार लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया। बिजनेस टुडे की जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी।